आज हम क्लास 7 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? द टर्म नेटवर्क इन कंप्यूटर कंप्यूटिंग सिस्टम मीन्स टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्किंग मीन्स टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयरिंग डाटा एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क से तात्पर्य दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के आपस में जुड़े रहने से होता है। नेटवर्किंग से मतलब यहाँ दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़े रहकर एक दूसरे से डेटा और संसाधनों को साझा करने से होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर शेयरिंग डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ अ प्रिंटर अटैच्ड टू इट, देन ऑल द कंप्यूटर इन दैट नेटवर्क कैन एक्सेस द प्रिंटर। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कंप्यूटर का एक समूह दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस से आपस में एक दूसरे से जुड़े रहकर डेटा और हार्डवेयर के संसाधनों को साझा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर नेटवर्क में यदि एक कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो वह प्रिंटर कंप्यूटर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर के डेटा तक आसानी से पहुंच सकता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यह प्रिंटर इस मेन जो मेन कंप्यूटर है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये बाकी के सभी भी कंप्यूटर जितने भी नीचे दे रखे हैं और उन सभी से भी कनेक्टेड है। अगर ये इसके डाटा तक पहुंच सकता है तो ये प्रिंटर इन सभी कंप्यूटर के डाटा तक भी आसानी से पहुंच सकता है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ अ नेटवर्किंग आर। फर्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया, संग्रहित करने के माध्यम को और बेहतर बनाने के लिए। सेकंड है प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को संरक्षित करने के लिए। थर्ड है रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, हार्डवेयर के मूल्यों को कम करने के लिए। फोर्थ है एफिशिएंसी, कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के लिए। थर्ड है रिटेंडेंसी, अतिरिक्तता को कम करने के लिए। फोर्थ है क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट की डिलीवरी को जल्दी से करने के लिए। नेक्स्ट है आपका नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में जानते हैं। नाउ अ डेज कंप्यूटर नेटवर्क आर वाइटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर, वर्तमान समय में कंप्यूटर नेटवर्क कोई भी संस्था का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आइए इसके बारे में जानते हैं इसे क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, ऑल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, मॉडेम एंड स्कैनर। सभी कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधनों को जैसे कि प्रिंटर, फैक्स मशीन, मॉडेम और स्कैनर को शेयर कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमें प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर, फैक्स मशीन, मॉडेम और स्कैनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही प्रिंटर, फैक्स मशीन, मॉडेम या स्कैनर से कंप्यूटर नेटवर्क में सभी जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उन सभी का एक ही चीज़ से काम हो जाता है। सेकेंड है फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटाबेस एक्सेस। अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ फाइल एंड एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। वी कैन इजीली एक्सेस द फाइल स्टोर ऑन वेरियस कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। आल्सो नेटवर्किंग अलाउ मैनी पीपल टू वर्क सिमिलरली ऑन द डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। फाइल शेयर करने के लिए और जितनी भी दूर की खबरें हैं उन तक पहुंचने के लिए नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। थर्ड है इज एज ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का साधन है उसको आराम से उसको आराम से करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के ज़रिए हम दूर रह रहे लोगों से आसानी से फैक्स मशीन के द्वारा, ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा आसानी से उन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क ने ईमेल की सुविधा प्रदान की है, आसानी से मैसेज की सुविधा प्रदान की है और जितने भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिशन करने की सुविधा कंप्यूटर नेटवर्किंग में होती है। आज के लिए बस इतना ही, और आपके होमवर्क के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको एक क्वेश्चन ही दिया है। लॉन्ग करना है ये आपको। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाई इट इज़ नीडेड इन टुडेज वर्क एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन को आपको लॉन्ग में करना है, इसीलिए मैंने इसको एक ही दिया है, शॉर्ट फॉर्म में इसको नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।